सारों को नमस्कार और सत श्री अकाल। आज मेरे साथ में हस्बैंड और वाइफ, वाइफ का लगा है स्टूडेंट वीज़ा, हस्बैंड का लगा है कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट। जो बहुत सारे वीडियोस कॉन्करेंट के ऊपर आप देख रहे हो ना कि हस्बैंड और वाइफ ये इकट्ठे कैसे जा सकते हैं कैनेडा में, वो कॉन्करेंट वीज़ा के साथ पॉसिबल है। तो इन दोनों का वीज़ा कॉन्करेंट वीज़ा में आया, एक ही दिन का वीज़ा अप्लाई हुआ था और एक ही दिन के अप्रूवल भी आ गया। पहले तो दोनों को बहुत बधाई। थैंक यू सर। ये इकट्ठा अप्लाई करने वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत सारे लोग की मना करते हैं। इतनी हुआ सी? हाँ जी बिल्कुल। मैं बठिंडा च पता किया, 6-7 तो पता किया तकरीबन। वो कह रहे थे भी इदा तो होंगे ही नहीं गई। तो विलेज भी रिलेटिव भी जोड़े बहर गए हुए कैनेडा ही, वो भी कह रहे थे भी यार इदा होंगे नहीं है, भी रिफ्यूजल के चांस ज़्यादा होंगे भी नहीं लगता। मैं फिर हौली हौली यूट्यूब ते और गूगल ते सर्च करी, ICR वैबसाइट ते वगैरह ते चेक किया जी, उन्होंने ये ऑप्शन कितने भी नहीं दिती हुई सी भी तुसी इकट्ठा नहीं ला सकते। फिर उस तो बाद सोडा नाम आया जी, ते सोडा सारा कुछ चेक की डिटेल यूट्यूब ते देखे जी, वीडियोज देखी, फिर सोडे नाल कंटैक्ट किया जी। तो उस तो बाद अपॉइंटमेंट बुक करी सोडे नाल, तुसी इत्थे मिलन आए जी, असी तुसी कहिंदे हो जाएगा जी। तो फिर भी डर अंदर डर सीगा जी, भी लोग कह रहे हैं भी नहीं लगना जी। मैनू आपदे आप नू सीगा भी लग जू यार। क्यों क्यों सी भरोसा? बस पता नहीं गई रब दा करके सीगा या कुछ भी, छोटे नाल गल करके भी सानू जैनुअन जा लगे जी। जिवें विच कंसल्टेंट होंदे जी, वो जैनुअन नहीं गल करदे जी। उन्हां दा मतलब हुंदा भी पैसे लै लो, आपां भी लागे ते तुक्का कर लैंदे जी, एक्सपीरियंस नहीं हुंदा जी। सोडा मैं इत्थे आया ना, मैनूं पता लगे भी चंडीगढ़ और पंजाब गवर्नमेंट तो रजिस्टर्ड है जी, तो सोडा एक्सपीरियंस भी सीगा जी। 2009 तो लैके तुसी हुण तक ला रहे सीगे, तुसी वीज़ा दिखाए सानू, वो चैक कीते जी। मैं मैनू जेन्युइन लगे जी, मेरा इंट्रस्ट बनया जी। मैं क्या एक बार ला के देखने, बाकी फादर साहब सपोर्ट कर रहे थे, वो कहिंदे सीगे कोई गल नहीं देखो तुसी लाओ, कोई चक्कर नहीं अपन की हो। ये जिहड़ा पर्टिकुलर कॉन्करेंट वीज़ा, इसके अंदर कोई बंदा पॉजिटिव नहीं है। तुहानूं पता पॉजिटिव क्यों नहीं है? बहुत सारी कंपनियां सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही करती हैं। हाँ जी, उन्होंने लगता है कि भी स्टूडेंट के नाल, पहली गल तो उन्होंने पता ही है नहीं स्पाउस भी जा सकता। हाँ जी। तो स्टूडेंट के नाल जदों फाइल स्पाउस की आती है ना बारी, ठीक है, उन्होंने ये डर पै जाता भी यह ना हो भी स्टूडेंट भी रिफ्यूज़ हो जाए। हाँ जी है ना। हाँ जी हाँ जी। तो इस कारण वश वो सारे ही कहते हैं भी नहीं पॉसिबल। हाँ जी हाँ जी। हाँ, पर यह जी इमीग्रेशन वैबसाइट है, कैनेडियन इमीग्रेशन वैबसाइट, वो लिखा तो होया है कि यू कैन ब्रिंग योर स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स अलोंग। हाँ जी, इन्नी लाइन है, इस तो उत्ते लाइन कितने लिखी नहीं। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो बाकी क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़ा भी करते हैं, स्पाउस वीज़ा भी बहुत करते हैं, एक्सपर्टीज साड़ी बहुत वधिया इस चीज़ में लैके, तो अलग टीम है। हाँ जी हाँ जी। इस चीज़ से चलो तुम बठिंडे तो आए हो चंडीगढ़, किन्ने दफ़ा गेड़े कटने पे? दूजी बार आए, वीज़ा साढ़े सामने पेगा। जो भी लोग इस वीडियो में साडे देख रहे हैं जिहड़े मर्जी प्लेटफॉर्म के उत्ते, मैं उन्होंने सारों को दसदा भी तुम इंडिया के जिस मर्जी कोने च रह रहे हो, वर्ल्ड के किसी कोने च रह रहे हो, तो जे तुम चाहते हो कि तुम आप, थोड़ा स्पाउस, तो थोड़े जो बच्चे भी ने इकट्ठे कैनेडा जाने का जो तुम प्लैन कर रहे हो, तो एक कॉन्करेंट वीज़ा के अंदर तुम अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। कॉन्करेंट वीज़ा के अंदर एक एप्लीकेंट नू थोड़े चो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई होंगे, जोड़ा स्पाउस होंगे कैनेडा स्पाउस ओपन वर्क परमिट जिदा थोड़ा होया, जेकर थोड़े बच्चे भी होंगे तो उन्होंने भी वीज़ा मिलता, विजिटर वीज़ा या स्टडी वीज़ा। हूँ तो वीज़ा आ गया, बिल्कुल चलोगे, पहुँच भी जाओगे कैनेडा। हाँ जी। की प्लान ने हुण, की सोचा, की करना जिंदगी दा? बस सेटलमेंट, जेड़े सपने आई वो पूरे करने आई। की सपने ने? बस हौली हौली चल रहे है। सपने तो बंदा हर कोई देखता, वधिया गल भी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, की सपना तुहाडा? सपने तो लाइफ सैट करनी सी, इत्थे बन नहीं रहा सीगा जी परपज। वैसे फाइनैशियल तौर पर मैं इतने भी सैट आई, मैनू कोई ओह नहीं सीगा। वैसे ड्रीम सीगा, सिस्टर पहला गई हुई है जी, उहदे करके भी उह सिस्टर जोर पा रही सी भी बाहर ही आओ तुसीं, उहदे करके बैटर लाइफ सुपना जिहा बण गया। बैटर लाइफ ली? हाँ जी हाँ जी, बैटर लाइफ। चलो तुहानूं एक बड़ी होर इंट्रस्टिंग मैं सारों नूं दसदा इह गल। पहली गल तां कॉन्करेंट वीज़न लैके लोगों के बहुत सारे मिथ ने कि हुंदा ही नहीं। हाँ जी हाँ जी ठीक है। मैं तो कहिंदा सी, तो मैं कर भी दिता, दुनिया जाते वीज़े साडे आ चुके ने, इह लाइव भी बैठे ने इस टाइम। तो दूजी गल ये सोचते सी लोकी कि भई पता नहीं कोई स्पैशल केसिस होणगे जिदे अंदर स्पाउस नाल जा सकदा। मैं तुहानूं सारों दसदा भी इस एप्लीकेंट की जो गल करिए, आप एप्लीकेशन की
इस दे अंदर जिहड़ी एप्लीकेंट सुमन है जिन्हों स्टूडेंट वीजा मिले है, सुमन क्लास 12th कीती हुई है जिहदे बेस ते आपां अप्लाई कीता सी। 2022 दे अंदर सुमन ने कीती सी क्लास 12th, उस तो बाद हुण तुसीं देख लो, क्योंकि आम तौर पर ना एक होर यह भी गल मैनू कितों पता लगी सी, ते किसे ने किसे नू कहता कि भई मास्टर्स कीती होनी चाहिए तां स्पाउस जाऊगा। मैनू भी कही सी, गई सी, मैं लुधियाना, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा जी, वो लुधियाना सीगा कंसल्टेंट, मेरे नाम नहीं याद, उन्होंने कहा सीगा भी जिन्हां चिर ग्रेजुएशन नहीं होंगे थोड़ा कट्ठिया का नहीं लगता जी। उदू बाद मैं कहा सीगा भी जे नहीं कट्ठिया का लगता तो आप लाना भी नहीं, अभी भी कह रहे सीगे सुमनदीप भी आप कट्ठिया की जाना जी, कट्ठिया नहीं आई ड्रीम ही सीगा जी भी कट्ठिया की लगी जी। बहुत सारे ना एप्लीकेंट ने जिन्होंने पी आर की प्लैनिंग करते, हाँ जी ठीक है, पी आर एक तो हो नहीं पा रही क्योंकि स्कोर बहुत उपर जा रहा है, हाँ जी ठीक है, तो दूजा वो अंदर लगता टाइम बहुत ज़्यादा, हाँ जी, तो कॉन्क्रेंट के अंदर हम अपन कितना टाइम लगे इस ਆਪਾਂ 3 months 5 days ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀ ਆਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਕੱਠਾ ਜਾਣ ਦੀ, ਅਤੇ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਕਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਲੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਕੱਠੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਨ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸੁਮਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੁਮਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇ, ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਂਕਰੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਸਬੈਂਡ ਅਤੇ ਵਾਈਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਰ ਔਖਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਬਸ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਲਏ, ਇਦੂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸੀਗਾ ਸਰ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਖੁਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜੇ ਸਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕੌਂਕਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਪਾਊਸ ਅਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕੱਠਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰੋ, ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲੇ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕੋ ਫੋਨ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਕਰੋ ਫਿਕਸ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਇਕੱਠੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਕਰੋ ਸਾਕਾਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ ਕਾਇੰਡਲੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਲਈ ਬੈਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਟਨ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਈ ਦੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।